जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रमजान फलक आपके खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 की कन्वर्जेंस को। कन्वर्जेंस खत्म होने के बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। बाज़ एग्जामिनर आपको एक कंपाउंड दे देता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखें, या फिर स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका नाम मेंशन करें। तो उसी हवाले से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 उसका पार्ट बी। इसमें आप लोगों को कंपाउंड दिया गया होगा और जस्ट आपने उसका स्ट्रक्चर लिखना है। साथ सबसे पहले आपके पास है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब ऐसे मैंने इसका आयुपैक नेम तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप मेरे साथ कोशिश करें तो इसका आप नाम भी दे सकते हैं, 1,2-ethane-diol। अब 1,2-ethane-diol आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, यहां भी हम इसको 1,2-ethane-diol या सिंपल आप इसको डाइओल भी कह सकते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है ये 3 कार्बन एक अल्कोहल है जिसमें हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। कार्बोनिक एसिड, फिनोल का दूसरा नाम कार्बोनिक एसिड होता है। आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप अगर अटैच हो जिसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया हो, हम उसको फिनोल कहते हैं। एसिटोफिनोल दूसरा नाम, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बेंजीन इसके एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर CH3। जैसे अगर आपने एसीटोन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो एसीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3, यानी जो सेंट्रल कार्बोनाइल ग्रुप है उसके लेफ्ट और राइट हैंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, एसीटोन कहते हैं। लेकिन यहां पर राइट साइड पर CH3 ग्रुप है जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर पूरा बेंजीन रिंग है और बेंजीन में बेसिकली कार्बन ही उसके साथ कनेक्टेड है, तो उस लिहाज से आप इसको बोलेंगे एसीटोफिनोल। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 19 का पार्ट बी है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको बस हम लोग गो थ्रू करेंगे ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपके लिए मसला ना हो। मेथॉक्सी इथेन, अब नाम से देखिए मेथ ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इससे नीचे क्या अटैच, पहले क्या अटैच होगा, मेथाइल ग्रुप। देखें मेथ ऑक्सी यहां तक ये कंप्लीट होगा, मेथ ऑक्सी, मेथ ऑक्सी आगे क्या लिखे, 2 कार्बन वाला जो केन है उसको आप इथेन कहते हैं, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये आपके पास इसका नाम है। वैसे आप जानते हैं इसको ईथर बोलते हैं, ईथर के लिए भी आपको ये वाला नॉमेनक्लेचर की जो टाइप है वो यूज कर लेते हैं, नहीं ईथर सिस्टम। नंबर 2 एच ऑक्सी इथेन, इसमें देखिए सेंटर में ऑक्सीजन है, इस ग्रुप को आप कह सकते हैं एच ऑक्सी या देगा इथेन। दूसरे तरीके में आप इसको कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये वाला भी इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन अगर सैंडविच हो तो हम उसको ईथर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम डाइथाइल ईथर है लेकिन एच ऑक्सी इथेन भी इसको कहते हैं। तीसरा आ जाएगा एच ऑक्सी बेंजीन, ये ग्रुप आपके पास इथाइल ग्रुप है साथ में ऑक्सीजन एच ऑक्सी, ये इसका आपका बेंजीन। सोडियम एच ऑक्साइड, देखें ये 2 कार्बन एच इसके लिए बोलेंगे, ऑक्सीजन एच ऑक्साइड साथ में Na पॉजिटिव, सॉल्ट है ये सोडियम एच ऑक्साइड, बहुत ही सिंपल सा है। सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल को जब आप उसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो बेस के रिएक्शन के दौरान जो सॉल्ट बनता है वो कहलाएगा सोडियम फिनोक्साइड, यानी अगर आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे
तो आप जानते हैं कि वाटर बनेगा साथ में सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट है सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें हाइड्रोजन की जगह सोडियम जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया। सबसे लास्ट है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब देखें प्रोपेन आप जानते हैं तीन कार्बन इनको बोलते हैं प्रोपेन, ऑक्सीजन से राइट साइड पर भी तीन कार्बन है, लेफ्ट साइड पर भी तीन कार्बन है, सिमेट्रिकल है, तो ये आ जाएगा इसका ग्रुप। ये जहां से मैं इसको सीटो मांगा ये देखिए यहां तक ये आ जाएगा प्रोप ऑक्सी, ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा प्रोपेन। जैसे अगर करना चाहे यहां तक प्रोप ऑक्सी प्रोपेन, जैसे एथॉक्सी एथेन था इसी तरह प्रोप ऑक्सी प्रोपेन है, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन हो सकता है, पेंटॉक्सी पेंटेन हो सकता है। इस तरीके से आप किसी भी तरह से आपसे नाम पूछा जा सकते हैं। कीप इन माइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद होगा उसकी प्रैक्टिस की होगी तो जो उनसे मर्जी नाम आपसे पूछने चाहें यू विल हैव नो वरी, कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नामों को लिखने के लिए। अब यहां तक आपने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया है, अब इंशाल्लाह हम लोग अगली बार चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्रेटेड उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।